फ्री हैंड लिया हुआ, मतलब जो मैंने कहा जो सर की ऐसे ही प्रतिष्ठा और मान बना रही, धन्यवाद सर। बाहर आ चुके हैं तो भगवान ने हमारी सुन ली, धूप थी बहुत ज्यादा, अब एकदम से कम होगी, देख सकते हो आप। सही है यार, गर्म है, ठीक है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर और वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। सो गाइज, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज, पिछले मेरे दो व्लॉग थे डीक्रस्ट के, तो उन पे बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छा प्यार दिया, तो सोचा एक और व्लॉग बना देता हूँ, उस पर भी शायद अच्छा प्यार दे दो। तो मेरे को मौका मिल गया, आज हमारे VC है जो वाइस काउंसलर, उनका आज रिटायरमेंट की पार्टी है, जो फेयरवेल बोलते जो उसकी पार्टी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। जैसा जैसा मूवमेंट होगा, जैसा जो होगा आपको जरूर दिखाऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा प्रोग्राम कर रखा, कैसे अपना जो भी है सब आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं, व्लॉग को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, हमने अपनी बाइक को यहाँ पे पार्किंग कर दी है, देखो। वैसे भी यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही कम बाइक है, कुछ ही गिनी चुनी बाइकें खड़ी हैं, वरना वैसे तो भीड़ लगी रहती है। बट ये है ना, पेपर वगैरह हुए हैं, तो उसके चलते बंदे अपना डिग्री वगैरह लेने आएंगे, ठीक है। तो वैसे अपना देख सकते हो बहुत ही कम बाइकें आ रखी हैं, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट आ रखे हैं अंदर, कैसा क्या रिस्पॉन्स है, जो भी है चलते अपना। एक छोटे से नाचीज आदमी को श्रीमद् भगवत गीता जयंती, जो टेक्निकल विश्वविद्यालय, उसमें इतने बड़े लेवल पे मनाई गई, और खासकर कोरोना काल में सर ने मुझे बताया, एक तरफ दूसरे विश्वविद्यालय में जो मेन था वहां मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ सर की लीडरशिप में ऑनलाइन मनाया गया। और जब सर ने PPT बना के लेके, तो सर ने मुझे बताया वहां से आकर, कहते प्रवेश अपना बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ रहा। तो किस्मत है हमारी अच्छी कि जो सर की लीडरशिप में हम लोगों ने काम किया, और मैम का भी कोटि कोटि धन्यवाद। अब रजिस्ट्रार साहिबान लोहे उड़ाकर और यूनिवर्सिटी का मोमेंटो देकर भी सबको सम्मानित करेंगे। रजिस्ट्रार साहिबान, परमेश्वर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी वो सहन शक्ति, वो उर्वरता हमेशा बनी रहे। जैसे वायु के अंदर गतिशीलता होती है, प्राण शक्ति होती है, आपके जीवन में वो गतिशीलता प्राण शक्ति रहे। जैसे जल के अंदर शीतलता और सरसता रहती है, उसी तरह आपके जीवन में शीतलता और सरसता रहे। जैसे अग्नि में तेजस होता है और वर्चस्व होता है, आपके जीवन में भी वो तेजस और वर्चस्व हमेशा बना रहे। और जैसे आकाश उदात होता है और महान होता है, इसी तरह आपका जीवन भी हमेशा उदात हो और महान हो। ये हमारे पंच तत्वों में जो गुण होते हैं, वो आपके जीवन में हमेशा बने रहे। अब किसी काम में घुस जाओ, उनको सभी को पता सर क्या है। एक बार उन्होंने मजाक किया है, मैं शेयर करूंगा। पुलिया पे हम रेस्ट करते थे, स्ट्रेचिंग करते थे बीच में, 10 किलोमीटर के बाद हम वहाँ खड़े होके स्ट्रेचिंग करते थे। एक जेंटलमैन आए, हमारे चिट्टा कुर्ता पजामा जैसे ब्लेजर के होते हैं, साफ सुथरा बढ़िया था,
वो उतरे, सर ने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया, ये हमारे टीचर हैं, पता नहीं इन्होंने बोला ये टीचर हैं, ये कर्नल है, मैं इनका वो हूँ, ऐसा कुछ इन्होंने बोला। तो वो देखता रहा उनको, तो बाद में इन्होंने आंखों से आंखें मिला के कहते सर जी आप अनायत साहब हो, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है, वो हम अखबार में पढ़ा है, मतलब समटाइम वी रियली इंजॉय द थिंग्स, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इनमें, तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनके साथ ही रहेंगे, कोई भी मिशन होगी। सभी को पता है गीता के एक्सपर्ट हैं, जिनको गीता आती है वो देश तरक्की करता है, जहाँ अब तो हमारे वर्ल्ड भी गवाही देने लग गया कि जो गीता का ज्ञान है वो बड़ा यूजफुल है, मैनेजमेंट में केस स्टडीज में पढ़ाया जाता है, तो वो उसके मास्टर हैं, लोगों ने जिसने फ़ायदा लेना ले सकते हैं। बाकी वेरी हम्बल, वेरी पीसफुल, कोई ईगो नहीं, कोई जेलसी नहीं, तो वो हेल्थ आपकी ऊपर दिखती है, फेस पे दिखती है, आप देखो कूल एंड काम है, किसी को द्वेष नहीं है, जो काम हो गया तब भी ठीक है, नहीं तो नहीं है, तो दैट क्वालिटी आई लाइक। जहां भी जाए सर की ऐसे ही प्रतिष्ठा और मान बना रहे, धन्यवाद सर। तो गाइस हम ऑडिटोरियम में से निकल चुके हैं, हमारे ऑडिटोरियम में जो हमारे वीसी सर हैं उनकी विदाई समारोह में फेयरवेल में बहुत अच्छी अच्छी स्पीच दी टीचरों ने, लेक्चरर ने जो अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्पीच दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जो हमारे वीसी सर हैं यहाँ पर वाइस चांसलर, उनको इस यूनिवर्सिटी में पूरे 6 साल हो चुके हैं, इसलिए उनका जो है फेयरवेल है, रिटायरमेंट है, जो भी अब किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे। बाकी कहा जाता है जो हमारे वीसी सर है बहुत अच्छे हैं, उन्होंने 6 साल तक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी दी, तो वो जो दिखाई है अपने कॉलेज को लेके बहुत अच्छे से मेंटेन किया है जो कॉलेज है, और बाकी जैसे जैसे उन्होंने बताया बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी स्पीच थी, सुन के अच्छा लगा। बाकी मगर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी, ये हमारा ऑडिटोरियम है। तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं ऑडिटोरियम के बाहर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो बाहर आ चुके हैं, तो चलते हैं कुछ खाएंगे पिएंगे, जैसा भी होगा चलेंगे, जैसा भी है फिर आप घर की ओर जाएंगे या कुछ जो भी काम है वो करेंगे। तो पहले आप देख सकते हो धूप ज़्यादा हो चुकी है, उस टाइम तो अच्छा मौसम था बट अब धूप हो गया, इसलिए चश्मा लगा लिया, और अब चलते हैं जैसे भी आगे होगा आपको दिखाता हूँ। लो गाइस, तो भगवान ने हमारी सुन ली, धूप थी बहुत ज़्यादा, अब एकदम से कम होगी, देख सकते हो आप। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बाकी। अरे लो फिर धूप आने लगी, बहुत गलत बात हो गई तो मेरे साथ है। हाँ भाई, कहाँ चले फिर? कैंटीन में जाने लग रहे भाई, वो कैंटीन तो बंद थी भाई, वहाँ तो कैंटीन बंद थी, स्टूडेंट इतने हैं नहीं फिलहाल, तो यहाँ जाना पड़ेगा गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल वाले पास। गर्ल्स हॉस्टल में चलते हैं, हमें गर्ल्स हॉस्टल ठीक रहेगा। पागल है क्या, कैंटीन में चलते हैं, जो यहाँ पे कैंटीन है यहाँ चलते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं बॉयज़ हॉस्टल के पास, जो कैंटीन है ये तो हमेशा ओपन ही रहती है, जब बॉयज़ हॉस्टल में बच्चे होते तभी ओपन रहती है, बहुत ही कम बंद होती है, बाकी वहाँ तो सारी बंद है। तो यहीं पे आ चुके हैं, यहाँ पर खाएंगे, तो आप देख सकते हो सामने, ये देख लो आप, चलते फिर कुछ लेते हैं, वहाँ भी बच्चे बैठे अपना खा रहे हैं, ये रही हमारी कैंटीन, दिख रही होगी आपको, चलते अब यहाँ से कुछ लेते हैं खाने पीने का, खाते अपना जो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइज अब आ चुका व्लॉग को एंड करने का टाइम, तो व्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ, हम आ चुके हैं अपना देख सकते हो स्टैंड पे, अब बस अब बाइक लेके निकलने वाले हैं। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, जो हमारा व्लॉग था हमारे वीसी साहब के जो रिटायरमेंट का फेयरवेल का, जितना उसका मैंने उतना दिखा दिया, और जितने अच्छे अच्छे क्लिप कटी मैंने काट दिया, बाकी हमने इन्जॉय भी करा, अपना खा पी लिया जो भी था, ठीक है। अब चलने का टाइम हो चुका, धूप भी हो चुकी है, जिस टाइम आए थे उस टाइम तो अच्छा मौसम था, अब धूप हो चुकी है, तो चलते अपना घर, तो मिलते अगले व्लॉग। We'll be right back.
लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।